दोस्तों, अगर आप भी परेशान हो चुके हो कि यार ये कॉपीराइट क्लेम्स क्या होते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि आखिर कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और साथ ही साथ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैश मनिहार और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है दोस्तों, वो होती है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप किसी का म्यूज़िक या किसी की वीडियो या किसी दूसरे यूट्यूबर का बनाया हुआ कंटेंट आप अपनी वीडियो पर डालते हो, तो उसकी जो वीडियो होती है उसको यूट्यूब के द्वारा एक कंटेंट आईडी दी गई होती है। तो अगर आप उस कंटेंट आईडी का कुछ भी चीज़ आप अपनी वीडियो पर इस्तेमाल करते हो, तो वीडियो डालते ही ऑटोमेटिक आपकी उस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो दोस्तों, उससे बेसिकली आपका किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं है। अगर लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी उस वीडियो से की गई अर्निंग पर आप दोनों क्रिएटर उस वीडियो की अर्निंग को किस पोर्शन में आपस में शेयर करोगे, या कि उस वीडियो से की गई अर्निंग को उसका ओरिजिनल क्रिएटर पूरा का पूरा रख लेगा। और अगर दोस्तों आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है, तो आपके डॉलर वाले सिंबल पर इन एलिजिबल शो होगा कि आप उसके थ्रू अर्निंग नहीं कर सकते हो। हाँ, पर अगर आपके किसी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम है और आप मोनेटाइजेशन के लिए अपना चैनल रिव्यू पर भेजते हो, तो भी आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ये हो गई बात दोस्तों कॉपीराइट क्लेम की। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की। कॉपीराइट क्लेम अपने आप आ जाता है, पर दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता है कि अगर आपने किसी यूज़र का, किसी क्रिएटर का वीडियो या ऑडियो अपनी वीडियो या ऑडियो में यूज़ किया है, या उसकी पूरी की पूरी वीडियो ही आपने डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, उस वीडियो का जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो आपके चैनल पर उस पर्टिकुलर वीडियो पर एक स्ट्राइक दे सकता है कि आपने मेरा कॉन्टेंट यूज़ किया है। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको उस वीडियो को डिलीट कर देना है और वो जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो ऑटोमेटिकली ही 3 महीने में चली जाएगी। तो दोस्तों कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है कि आपकी वीडियो डालते ही अगर आपने कोई कंटेंट यूज़ किया है जो कि फेयर यूज़ पॉलिसी में नहीं आता। फेयर यूज़ पॉलिसी क्या होती है इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप उसको मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो आपकी ऐसी वीडियो में YouTube ऑटोमेटिकली ही अपलोड करते ही आपको एक कॉपीराइट क्लेम दे देता है, जिसका आपके YouTube चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बस उसकी अर्निंग आपके और उसके ओरिजिनल क्रिएटर के बीच में शेयर होने लगती है, या वो ओरिजिनल क्रिएटर आपकी उस वीडियो की पूरी अर्निंग अपने पास रखने लगता है। ये YouTube का फीचर है। पर दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता है कि अगर आपने किसी का कंटेंट यूज़ किया है और उस पर्टिकुलर क्रिएटर ने, जो उसका ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, आपके उस पर्टिकुलर वीडियो पर अगर एक स्ट्राइक दे देता है जो कि सिर्फ वो ही दे सकता है, तो आपकी वो स्ट्राइक कॉपीराइट स्ट्राइक कहलाती है। ऐसे केस में आपको वो वीडियो डिलीट करनी है और 3 महीने तक कोई भी दूसरी स्ट्राइक नहीं लेनी है, और 3 महीने में आपकी वो कॉपीराइट स्ट्राइक ऑटोमेटिकली हट जाएगी। पर अगर दोस्तों आपको 3 महीने के अंदर अंदर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा अपना ही कंटेंट देना है, इस बात को ज़रूर से ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दोस्तों बहुत सिंपल है, और कैसे चैनल्स पर ये स्ट्राइक आ जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों कि अगर आप YouTube पर अपने चैनल पर किसी भी तरह का हैकिंग, क्रैकिंग, अब्यूजिंग या हैरेसमेंट कंटेंट अपलोड करते हो, या कि एक ऐसी वीडियो अपलोड करते हो जो कि हैकिंग, क्रैकिंग, अब्यूजिंग और हैरेसमेंट को प्रमोट करे, तो उस वीडियो पर YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देता है। यानी कि वैसी वीडियोस, जो कंटेंट आप अपने वीडियो पर यूज़ किए हो, वो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए वो YouTube आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे रहा है। इसमें भी चीज़ें सेम है दोस्तों, कि अगर आपके 3 महीने के अंदर अंदर 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है, तो इस केस में भी आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जैसे ही कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आए दोस्तों, आपको वैसे वीडियो को डिलीट कर देना है और ऐसा कुछ भी कंटेंट अपलोड नहीं करना है कि आपकी 3 महीने में कोई भी स्ट्राइक आए, तो आपकी जो वो स्ट्राइक आई हुई है 3 महीने के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली हट जाएगी।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर कैसे चैनल्स पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है। तो एक शब्द में बोलूं दोस्तों, वो है रोस्टिंग चैनल्स। जी हाँ दोस्तों, आजकल रोस्टिंग में क्या हो रहा है दोस्तों, जो टिकटॉक पर वीडियोस हैं, जो फेसबुक पर वीडियोस मिल जाती है, तो बेसिकली उसकी क्लिप चलाकर आप एक रिएक्शन दे देते हो या आप कुछ कमेंट कर देते हो, पर उस वीडियो में कुछ अब्यूजिंग होता है, कुछ हैरेसिंग होता है, तो उस केस में यूट्यूब खुद आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देता है। और जो दूसरी वजह है वो है हैकिंग और क्रैकिंग। अगर आपने फोटोशॉप का क्रैक बताया है, काइन मास्टर का क्रैक बताया है कि आप क्रैक वर्जन को डाउनलोड कर लो, या कि आपने एक ऐसी वीडियो बनाई है कि आप लोगों को बता रहे हो कि आप YouTube की वीडियोस कैसे डाउनलोड कर सकते हो किसी ऐप के थ्रू, तो दोस्तों वो भी YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ आता है और आपको वैसी वीडियो नहीं बनानी है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो कि आपको कैसा कंटेंट अपलोड करना है, कैसा नहीं करना, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से अब मेरी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।